गाइज वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल आई विल से आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। तो आज मैं आप सभी के साथ विंटर स्पेशल बहुत ही हेल्दी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं किस तरीके से ये रेसिपी बनाते हैं। तो ये बेसिकली मिस्सी रोटी है और ये विंटर्स में खाई जाती है, काफ़ी हेल्दी भी है और आप इसको ईजिली अपने घर में बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे स्टील का बोल लिया है, उसमें एक कप आपको गेहूँ का आटा लेना है और एक से डेढ़ कप आपको बेसन का आटा लेना है। यानी आटे की क्वांटिटी, जो गेहूं के आटे की क्वांटिटी थोड़ी बेसन के आटे की क्वांटिटी से थोड़ा सा कम होना रखना है आपको। और फिर उसमें मैं यहाँ पे डालूँगी हींग और अजवाइन को क्रश कर लेंगे हाथ से। और एक चम्मच मैं यहाँ पे देसी घी डाल रही हूँ, आप चाहे तो कोई भी ऑयल ले सकते हैं। यहाँ पे मैं कटा हुआ खूब सारा धनिया डाल रही हूँ, धनिया में आप कंजूसी मत करिएगा, धनिया खूब सारा डालना है। और फिर यहाँ पे मैं कर्ड ले रही हूँ, कर्ड को भी हम लोग यहाँ ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हो सके तो आधा स्पून आप इसमें शक्कर ऐड कर लीजिए, यानी शुगर चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। और इसको हल्के हल्के हाथों से आप पूरा मिक्स कर लीजिए और अगर नीड है तो पानी थोड़ा थोड़ा ले लीजिएगा। और एक अच्छा सा टाइट डो आपको लगा लेना है, यानी मतलब टाइट आटा आपको मारना है। फिर इसको हम लोग ढक के रख देंगे आधे घंटे के लिए। यहाँ पे डो ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, आप देख सकते हो। आधे घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ेंगे आटे को। और यहाँ पे डो रोटी बनाने के लिए तैयार है। तो एक पटरा लेंगे रोटी बेलने वाला, उस पर अच्छे से आटे को हम लोग पहले तो उसका जो आटा है उसको अच्छे से हम लोग नीट करेंगे, ताकि कहीं पे भी आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि टाइटनेस है। तो अच्छे से उसको हम लोग सॉफ्ट कर लेंगे। फिर एक रोटी की शेप में हम लोग इसको बेल लेंगे। आपको बहुत पतला नहीं करना है, आपको मीडियम रेंज में रोटी बनानी है, यानी थोड़ी सी ये मोटी बनती है रोटी। और इस तरीके से लोहे के तवे पे हम लोग इसको अप्लाई करेंगे। और ये आपको लो फ्लेम पे यानी धीमी गैस पे बनाना है रोटियों को। पलटेंगे दोनों साइड से, हल्का हल्का प्रेस करेंगे और इसको अच्छे से, जब तक ये खूब करारी थोड़ा सा गोल्डन कलर में, रेड कलर में इसका जब कलर आ जाएगा, टेक्सचर जो रोटी का होगा वो आ जाएगा, तब तक आपको इसको लो फ्लेम पे सेकना है, तेज़ गैस पे नहीं सेकना है। आप देख सकते हो ये हल्की हल्की सी फूलने लगेगी। और ये रोटी थोड़ी सी मोटी बनती है और बहुत हेल्दी होती है। आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा इसका जो कलर है, टेक्सचर है, वो कितना सुंदर लग रहा है। और अप्लाई करेंगे घी या मक्खन या फिर आपको जो भी आपको पसंद है आप वो अप्लाई कर सकते हैं। और किसी भी वेजिटेबल करी के साथ आप इसको खा सकते हैं। ये बहुत हेल्दी है, पेट के लिए काफ़ी अच्छा है और आपके विंटर्स में आपको ये काफ़ी हेल्दी है और फ्रेंडली है। आप किसी भी करी के साथ इसको एंजॉय कर सकते हैं अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए ताकि ये वीडियो लोगों के लिए हेल्पफुल हो सके। ओके, बाय बाय।